हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक ऑफ GGM के। गाइस, आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रहे हैं और सब्सक्राइबर के ही कमेंट पे हम बना रहे हैं। सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि सर, एक मशरूम का बेड में पानी कितना देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए और कब कब देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज इसी मैटर में हम बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके जो है मेरे को मशरूम से रिलेटेड किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, ये जो है आपका, ये है मशरूम का बेड। ये देख रहे हैं, ये जो मशरूम आप देख रहे हैं, ये थर्ड कटिंग का मशरूम निकला हुआ है, ठीक ना। आप इसमें जो है मशरूम, एक मशरूम का बेड में कितना पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। तो गाइस, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब तक मशरूम, जब आप पैक करते हैं, पैक करने के 20 से 25 दिन के बाद जब आपका मशरूम निकलने का टाइम रहेगा, 25 दिन के बाद जो है जब पैकेट पूरा वाइट हो जाएगा, देख रहे हैं मशरूम का पैकेट, जब तक आपका वाइट नहीं होगा तब तक आपको पानी मारने का नहीं रहता है। जब आपका पैकेट पूरा वाइट हो जाता है, उस टाइम जो है फर्स्ट टाइम जब आपका मशरूम निकलेगा 25 से 30 दिन के बाद, उस टाइम एक सिरिंच जो है ऊपर की तरफ से 80 ml इधर से पुश कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है जब तक आपका मशरूम ना निकले। उसके बाद जब आपके आवाज़ फर्स्ट टाइम जो है मशरूम का जैसे फोड़ आएगा, फर्स्ट फोड़ आएगा, उस टाइम जो है 24 घंटा में ऊपर की तरफ से फिर और एक 80 ml जो है इधर से पुश कर देना है। और पुश तब तक आपको करना है 24 घंटा में एक बार, जब तक जो है इसका मशरूम का फोड़ बड़ा हो जाए, जब तक तोड़ने लायक नहीं हो जाए, उस टाइम तक पर डे 24 घंटा में एक बार 80 ml पानी इसमें देना होता है। उसके बाद जब इसको आप तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद फिर जो है 80 ml का पानी जो है इसमें पानी आप दे दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए जब तक कि दोबारा इसमें जो है मशरूम ना निकले। दोबारा मशरूम जब आप फिर निकलेगा, देखिए 2, 4 से 5, 6 दिन के अंदर में आपका नेक्स्ट टाइम जो है सेकंड कटिंग का मशरूम निकलेगा, उस टाइम जो है उसके बाद आपको यहाँ से जो है फिर से पर 24 घंटे के अंदर फिर से पानी ऊपर की तरफ से आप पुश कर दीजिए। फिर जो है पानी देने का प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका मशरूम जो है पूरी तरह, मशरूम का फोड़ जो पूरी तरह बड़ा ना हो जाए, जब तक तोड़ने लायक नहीं हो जाए। फिर सेकंड कटिंग में आप इसको आराम से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जो है उसके बाद 80 ml का 2 सिरिंच आप ऊपर, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड से जो है 80 ml पानी पुश कर दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए 5-6 दिन के लिए। 5-6 दिन फिर इसको कुछ नहीं करना है जब तक इसका मशरूम बाहर नहीं आएगा। फिर जब इसका मशरूम बाहर निकल के आएगा तीसरा कटिंग के लिए, उस टाइम जो है फिर जब मशरूम धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर आपको पर डे 24 घंटा में जो है एक बार 80 ml पानी देना होता है। और जब आपको बाहर निकले, आप इससे बाहर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, फुहारा टाइप का, इस टाइप का जो है बाहर से पानी को गर्म करके ठंडा करने के बाद इसमें बाहर बाहर से जो है स्प्रे कर सकते हैं, तो इसका मशरूम का फोड़ जो है सही रहेगा। तो गाइस, थर्ड कटिंग और फोर्थ कटिंग का ऐसे ही प्रोसेस करने के बाद जब आपका पैकेट थोड़ा और सूख जाएगा, तो पांचवा कटिंग के लिए आपको लास्ट में क्या कीजिएगा, ये पन्नी जो है इसको फाड़ लीजिएगा, फाड़ के इसको अलग कर लीजिएगा। उसके बाद एक बाल्टी में जो है इसको 10 मिनट तक पानी में डुबा कर रखिएगा। उसके बाद जो है फिर से इसको रख दीजिएगा। आपका जो है पाँचवा या छठा कटिंग के लिए मशरूम जो है कुछ बैग में निकल आता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि सारा बैग में निकलेगा, लेकिन आपका मशरूम कुछ बैग में निकलेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मशरूम या टैग से रिलेटेड दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, बताना चाहेंगे, आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो गाइस, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।